हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं एप्लीकेशन को। यदि आप सिक्स लेकर ट्वेल्थ क्लास में पढ़ते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारी एप्लीकेशंस को कवर किया हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी इस एप्लीकेशंस के टॉपिक के लिए। तो चलिए वन बाय वन सारी एप्लीकेशंस को रीड करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है आपके पास, राइट एन एप्लीकेशन टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्पोजिंग अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। ठीक है, तो इसे जो लाउड स्पीकर वाली एप्लीकेशन है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शाजापुर, या जो भी आपका एड्रेस है। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर बैन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, मतलब लाउड स्पीकर के यूज़ पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र। रेस्पेक्टेड सर, आई विश टू स्टेट दैट आई लिव इन महेश नगर एरिया। यहाँ पर कह रहे हैं कि आदरणीय, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं महेश नगर एरिया में रहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स दिस मैटर, मैं आपका ध्यान इस समस्या की तरफ, इस मामले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, कि मैं क्लास, जो भी आपकी क्लास है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा, इस क्लास का छात्र हूँ। आवर एग्जामिनेशन बिगिंस ऑन 1st of March 2022। हमारी जो एग्ज़ामिनेशन है वो 1 मार्च 2022 से स्टार्ट होने जा रही है। दिस इज़ मोस्ट वैल्यूबल टाइम फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। बट सम पीपल कीप ऑन यूजिंग देयर लाउड स्पीकर्स टिल लेट एट नाइट, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि उनके जो लाउड स्पीकर, जो भी वो यूज़ करते डीजे वगैरह, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं वो देर रात तक। दिस ग्रेटली डिस्टर्ब्स अवर स्टडीज़, और इससे हमारी स्टडीज़, जो पढ़ाई होती है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। Therefore, we request you to issue order imposing a restriction on the use of loudspeakers till April 2022। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसा ऑर्डर निकालिए इनके प्रतिबंध पर, कि ये लोग लाउड स्पीकर पर का ज़्यादा यूज़ ना करें। कब तक? April 2022 तक, है ना, 2022 तक, अप्रैल 2022 तक इनके लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने वाले ऑर्डर आप इश्यू कीजिए, जारी कीजिए। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा रहता है, रिस्पेक्टेड सर वाला, इसमें हम हमारी प्रॉब्लम्स को लिखते हैं, और नीचे वाले जो पैराग्राफ है देयर फॉर वाला, इसमें हम उनसे क्या चाहते हैं, जिन्हें हम लेटर या एप्लीकेशन लिखते हैं, उसे यहाँ पर लिखा जाता है। अगेन थैंकिंग यू एंड योर्स फेथफुली, आपका नाम और आपका फुल एड्रेस। यह था आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड है, राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल फॉर डुप्लीकेट मार्कशीट। जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए है, कि आपकी मार्कशीट कहीं खो गई है और आपको डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए होती है, तो उसके लिए हम किस तरह से एप्लीकेशन लिखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल, भोपाल बोर्ड को हम लिख रहे, तो वहाँ का एड्रेस। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट मार्कशीट। रेस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई हैव लॉस्ट माई ओरिजिनल मार्कशीट वाइल आई वॉज ट्रेवलिंग दिल्ली टू मथुरा बाय ट्रेन। बड़ी विनम्रता के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने, मेरी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो मुझसे खो गई है, जब मैं दिल्ली से मथुरा ट्रेन से सफ़र कर रहा था, उस दौरान मेरी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो खो गई थी। सो आई नीड डुप्लीकेट मार्कशीट, इसलिए मुझे डुप्लीकेट मार्कशीट की ज़रूरत है। द डिटेल्स आर गिवन बिलो, यहाँ पर जो आपके मार्कशीट में जो डिटेल होती है वो फिल करनी होती है, उसमें क्या नाम है, आपके फादर का नाम, और जो सेंटर कोड है जहाँ पर आपने एग्ज़ाम दी थी, और आपके रोल नंबर। विथ फुली रिस्पेक्ट आई रिक्वेस्ट यू Kindly send the duplicate मार्कशीट to the follow address। अब पूरी रिस्पेक्ट के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ
कि मेरी जो डुप्लीकेट मार्कशीट है उसे नीचे दिए हुए पते पर भेज दें। आपका आपके घर का एड्रेस यहाँ पर देना है आपको, नेम, फादर नेम, हाउस नंबर, सिटी और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद थैंकिंग यू एंड योर्स फेथफुली, आपका नाम। थर्ड, यू आर अंकित, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी आपकी क्लास है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। ये जो एप्लीकेशन है ये शुल्क मुक्ति एप्लीकेशन है, जहाँ पर आपको फीस माफ़ करने के लिए एप्लीकेशन लिखनी होती है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जबलपुर MP, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ क्लास, यहाँ पर आपकी क्लास का नाम लिखना है, इन योर स्कूल। बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी आपके स्कूल के अंदर इस क्लास का बहुत ही होनहार छात्र हूँ। आई एम ऑल्सो गुड एट स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। मैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी और अदर करिकुलम में भी मैं बहुत अच्छा हूँ। अदर पाठ्यक्रम में जो भी आता है, खेलकूद या अदर एक्टिविटीज़, उस सभी में मैं बहुत अच्छा हूँ। ये आपको आपकी अच्छाई बतानी होती है, वरना क्या होता है कि जब आप पढ़ते लिखते ही नहीं हो तो प्रिंसिपल या स्कूल मैनेजमेंट क्यों आपकी फ़ीस को माफ़ करेंगे। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो और आपकी मजबूरी है कि आप फ़ीस जमा नहीं कर पाते हो, तो वो कुछ सोचते हैं कि हाँ पढ़ने वाला बच्चा है, चलो इसकी फ़ीस हम माफ़ कर देते हैं। तो आपको आपकी क्वालिटी यहाँ पर बतानी होती है। हाउएवर माई फादर इज़ अ वेरी पुअर फार्मर, हालाँकि मेरे जो पिताजी है वो बहुत गरीब है, गरीब किसान है। हिज इनकम इज़ वेरी लो, उनकी इनकम, उनकी जो आय है वो बहुत कम है। और ही इज़ अनेबल टू पे माई स्कूल फ़ी, और इस तरह से वो मेरी जो स्कूल की फ़ी को जमा करने में, पे करने में अनेबल है, असमर्थ है। काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, इसलिए आप क्या कीजिए कि मुझे पूर्ण शुल्क मुक्ति, मतलब पूरी फीस माफ़ करने की कृपा करें, सो दैट आई कैन कंटिन्यू माई स्टडी, ताकि मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकूँ। आई शैल ओबलाइज यू, मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा। थैंकिंग यू योर्स ओबिडेंटली, जो भी आपका नाम दिया रहे वो आपको यहाँ पर लिखना है। फोर्थ एप्लीकेशन है हमारे पास, राइट एन एप्लीकेशन टू द पोस्ट मास्टर ऑफ योर एरिया कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन। पोस्टमैन के अगेंस्ट कंप्लेंट करने के लिए हमें पोस्ट मास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो टू द पोस्ट मास्टर GPO इंदौर और इंदौर MP, ये एड्रेस है। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन, ये हमारा सब्जेक्ट एप्लीकेशन का। एंड रिस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, पूरी रिस्पेक्ट के साथ, आई बेग टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिस्टर अमित भट्ट द पोस्टमैन ऑफ आवर एरिया इज़ वेरी केयरलेस फेलो। यहाँ पर एक पर्सन हमने बनाया है कि उसका नाम रख दिया अमित भट्ट, या फिर वो रियल में होगा, जो हमारे एरिया का क्या है, वो पोस्टमैन है ना, आपके एरिया का पोस्टमैन का जो भी नाम होगा वहाँ पर आप लिख देना। वो बहुत ही केयरलेस फेलो है, मतलब बहुत ही लापरवाह इंसान है। ही डज नॉट विजिट द एरिया रेगुलरली, वो जो एरिया उसको दिया जाता है कि इस यहाँ से यहाँ तक का एरिया तुम्हारा, और जो भी लेटर्स वगैरह डिलीवर करने वो तुम्हें जाने होते हैं, तो वो उन एरिया में रेगुलर नहीं जाता है। ही डज नॉट डिलीवर पोस्ट टू प्रॉपर हैंड्स, और ना ही जो लेटर वगैरह जिसके लिए आते हैं उसे देता है, मतलब किसी और को पकड़ा देता है, कह देता है कि आप उन्हें दे देना इस तरह से, मतलब प्रॉपर हैंड्स में वो लेटर को नहीं देता है, सही हाथों में नहीं देता है। व्हेन वी कंप्लेन हिम, जब हम उसे इस बारे में बताते हैं, इस बारे में उसकी कंप्लेन करते हैं, ही मेक्स दिस और दैट एक्सक्यूज़, वो इधर उधर की बातें बनाता है, बहाने बनाता है, ठीक है ना। देयरफॉर We request you to ask him to work properly. इसलिए हम आपसे चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उन्हें कहिए ठीक से काम करने के लिए, और ट्रांसफ़र हिम टू सम अदर एरिया, या फिर उनका ट्रांसफ़र कर दीजिए किसी अदर एरिया में। एन अर्ली एक्शन इज रिक्वेस्टेड, मतलब एक अर्ली एक्शन, जल्दी एक्शन की आपसे विनती की जाती है। थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद देते हुए, योर्स फेथफुली, और आपका एड्रेस लिखना आपको कि ये समस्या कहाँ की है, क्योंकि जो पोस्टमास्टर है वो जानते नहीं है कि आप कहाँ से बात कर रहे हो।
इसलिए आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर आएगा। अगली एप्लीकेशन है हमारे पास SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए। जब आप स्कूल छोड़ करके जाते हो तब हम इस एप्लीकेशन को लिखते हैं। टू द प्रिंसिपल संस्कार पब्लिक एकेडमी पोलायकला, यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आपको लिखना है। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, बड़ी विनम्रता के साथ और बड़े आदर के साथ, आई बेग टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास ऑफ योर स्कूल। क्लास में आप अपनी क्लास का नाम लिख देंगे, ठीक है, मैं आपके स्कूल में इस क्लास का छात्र हूँ। माई फादर इज़ अ टीचर, मेरे पिताजी एक टीचर है, और ही हैज़ बिन ट्रांसफर टू भोपाल, उनका ट्रांसफ़र भोपाल हो गया है। वी आर गोइंग टू शिफ्ट आवर न्यू हाउस देयर, अब हम क्या करेंगे, हमारे हाउस को वहाँ पर शिफ्ट करेंगे, मतलब भोपाल में ट्रांसफ़र हो गया तो अब यहाँ से हमारे घर को वहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे। माई ऑल फैमिली मेम्बर्स आर गोइंग विथ हिम, और मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स उनके साथ में जा रहे हैं, और सो आई एम अनेबल टू लीव हियर अलोन एंड कंटिन्यू माई स्टडी, इसलिए मैं यहाँ पर अकेले रहने में और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर में जा रहे हैं वहाँ पर, तो मैं यहाँ कैसे रहूँगा। काइंडली इश्यू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज अर्ली एज पॉसिबल एंड ओब्लाइज, इसलिए कृपया करके मेरे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को जल्दी से जल्दी जारी करने की कृपा करें। थैंकिंग यू, योर्स ओबिडेंटली। और उसके बाद हमारे पास है बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, है ना, आप यहाँ पर पूरा क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए। इसमें आपको बुक बैंक से बुक इशू करने के लिए आपके प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है। इसमें एड्रेस वही रहेगा, टू द प्रिंसिपल संस्कार पब्लिक एकेडमी पोलायकला, आप अपना एड्रेस लिख दीजिएगा जो आपका स्कूल है। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा। इसके बाद रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी आपकी क्लास है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। आई एम अ पुअर स्टूडेंट, वो कहना चाह रहे हैं कि बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि सर मैं आपके स्कूल में इस क्लास का छात्र हूँ और मैं बहुत गरीब स्टूडेंट हूँ। माई फादर कैन नॉट अफोर्ड टू बाई बुक्स फॉर मी फ्रॉम द मार्केट, और मेरे पिताजी इतने अमीर नहीं हैं या उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझे मार्केट से बुक्स खरीद कर दे सकें, इतना अफोर्ड वो नहीं कर सकते, इसलिए काइंडली अरेंज टू इश्यू मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक ऑफ आवर स्कूल, इसलिए कृपा करके व्यवस्था कीजिए, अरेंज कीजिए, क्या मुझे बुक्स अवेलेबल करवाइए अपने स्कूल के बुक बैंक से, ये हम उनसे विनती कर रहे हैं। थैंकिंग यू, योर्स ओबिडेंटली, आपका नाम और क्लास का नाम। सेवेंथ एप्लीकेशन है हमारे पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सेम होता है, थोड़ा बहुत हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, देखिए किस तरह से। जैसे जो हमारा सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा, एन एप्लीकेशन फॉर TC, और रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, बड़ी विनम्रता के साथ और आदर के साथ, आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल के अंदर इस क्लास का छात्र हूँ। माई फादर इज़ अ टीचर और ही हैज़ बिन ट्रांसफर टू भोपाल, मेरे पिताजी है वो एक टीचर हैं और उनका ट्रांसफ़र हो गया है भोपाल में। वी आर शिफ्टिंग, जो SLC के अंदर लिखा था वही इसके अंदर हमें लिखना है, कभी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि SLC क्या होता है और TC क्या होता है, तो SLC और TC दोनों सेम होता है, आप इस तरह से दोनों में अंतर देख सकते हैं कि हमने क्या चेंजेस किए हैं, हमने SLC की जगह पर TC का यूज़ किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे वाली एप्लीकेशन पे, नंबर 8, यहाँ पर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रैंड यू लीव फॉर 4 days ड्यू टू योर एल्डर ब्रदर्स और सिस्टर्स मैरिज, मतलब आपकी भाई या बहन की शादी के लिए आपको प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है कि आपको छुट्टियां प्रोवाइड कराएं, है ना। तो लिखते हैं टू द प्रिंसिपल संस्कार पब्लिक एकेडमी, ये आपका एड्रेस रहेगा स्कूल का। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, आई बेग टू से दैट, आई एम गोइंग टू इंदौर, मैं इंदौर जा रहा हूँ।
टू अटेंड माई एल्डर ब्रदर्स और सिस्टर्स मैरिज, मेरे भाई या बहन की जो जिसकी भी शादी है उसका हम यहाँ पर लिख देंगे, दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बहन की शादी को अटेंड करने के लिए इंदौर जा रहा हूँ। आई शैल स्टे देयर, मैं वहाँ पर ठहरूँगा। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, इसलिए मैं स्कूल को अटेंड करने में, स्कूल आने में असमर्थ रहूँगा। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 days, इसलिए कृपा करके मुझे 4 days की छुट्टी प्रदान करें। कब से कब तक? 10 मार्च से 13 मार्च 2022 तक। इस तरह से हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। थैंकिंग यू, योर्स ओबिडेंटली। बढ़ते हैं आगे वाली एप्लीकेशन पे, जो है सिक लीव। ये मोस्टली 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब वो बीमार होते हैं तो उन्हें अपने क्लास टीचर को एप्लीकेशन लिखनी होती है। तो यहाँ पर क्लास टीचर को सिक लीव की एप्लीकेशन आपको लिखनी है। टू द क्लास टीचर, सब्जेक्ट संस्कार पब्लिक एकेडमी पोलाईकला, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। जब आप बीमार हो जाते हो तब आपको ये एप्लीकेशन लिखनी होती है। रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, बड़ी विनम्रता और आदर के साथ मैं कहता हूँ कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, कि मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूँ, बीमार हूँ, और माई डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट एट होम। मेरे डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है अपने घर पर रह करके रेस्ट करने के लिए। सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। थैंकिंग यू, योर्स ओबिडेंटली, आपका नाम, क्लास का नाम। एंड द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस वीडियो इज राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर फॉर एन अर्जेंट वर्क। मतलब यहाँ पर आप बीमार नहीं होते हैं, बस आपको कुछ काम आ जाता है, इसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है आपके क्लास टीचर को। तो वही सेम एड्रेस, टू द क्लास टीचर संस्कार पब्लिक एकेडमी पोलाईकला, एंड सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क। रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, बड़ी विनम्रता और आदर के साथ आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी आपकी क्लास है, कि मैं इस क्लास का छात्र हूँ। आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम, मुझे घर पर एक ज़रूरी काम है। सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल टूडे, इसलिए मैं आज स्कूल आने में असमर्थ रहूँगा। मतलब मुझे घर पर काम आ जाने के कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 day, इसलिए मुझे 1 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। थैंकिंग यू, योर्स ओबिडेंटली, नेम एंड क्लास। इस तरह से फ्रेंड्स, सारी जो एप्लीकेशंस, इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस होती है हमारी क्लासेस के लिए 6th to 12th, मैंने यहाँ पर कवर की हुई है। आप इन्हें अच्छे से लर्न कीजिए विद स्पेलिंग्स, और जो फॉर्मेट मैंने आपको दिया है इसी फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन लिखना है, और ये बिल्कुल अच्छा फॉर्मेट है लिखने के लिए। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से आप देखिए, और आपको एक बार और वीडियो को देखना चाहिए ताकि आप अच्छे से इन्हें लर्न कर सकें और विद स्पेलिंग्स, और अपने एग्ज़ाम में इसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो वीडियो कैसी लगी जल्दी बताइए कमेंट के अंदर, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय।